हेलो दोस्तों, खमागणी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बची हुई चाशनी का उपयोग करना या यूज़ में लेना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी जलेबी, इंस्टेंट जलेबी, एकदम हैंड टू हैंड और एकदम टेस्टी एंड क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, एकदम मीठी मीठी चाशनी से भरी हुई। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कटोरी मैदा। इसमें आप ढेर सारी जलेबी बना सकते हो पूरे घर वालों के लिए। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 इनो का पाउच, आप कोई सा भी फ्लेवर का इनो का पाउच ले सकते हो। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ना। मैं इसमें दही यूज कर रही हूँ ना, इसको ज़्यादा मतलब नाइट तक रखना है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से फटाफट बन जाती है, तो आप भी एक बार इस तरह से बना के देखिए और झटपट बनती है। अगर आप पहली बार भी बनाओगे तो आप पहले बार में ही फर्स्ट बार में अच्छे से एकदम गोल गोल अच्छी सी क्रिस्पी बना सकते हो। तो आप इस तरह से बनाइएगा। इसको हमें चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से फेंटना है। इसमें एक भी गांठ नहीं रहेगी मैदा की, अगर आप इसको अच्छे से फेंटोगे तो। नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, फटाफट हो जाता है ये। अगर एक दो रह जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसको फेंट लिया, आप देख सकते हैं। मैं ले रही हूँ इस तरह की एक खाली बोतल, आप कोई सी भी ले लीजिए। आप पॉलीथीन से भी बना सकते हो या बोतल से भी। तो मैं आपको बोतल से बनाना बताऊँगी। इस तरह से आप बोतल लीजिए, उसके ढक्कन पे एक छेद कर लीजिए कील से, गरम करके या किसी से भी, जिससे भी आपको अच्छा लगे। इस तरह से बैटर को हम बोतल में भर लूँगी मैं इसको, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से भरा नहीं जा रहा है तो आप एक पॉलीथीन में लेके, मतलब कौन बनाते हैं पॉलीथीन का, उस तरह से बनाकर आप उसमें छेद करके डायरेक्ट बोतल में भर सकते हो। या आप डायरेक्ट उस पॉलीथीन से बना सकते हो, जैसे दूध की पॉलीथीन हुई, किसी भी, जिससे आप अच्छे से कंफर्टेबल रहो। मैं आपको बोतल से बनाना बता रही हूँ। मैं इसमें ले रही हूँ घी, इसको अच्छे से गर्म करके, और लो फ्लेम कर दिया है मैंने गैस में। अब ये तो हल्का हल्का ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमें इसको। लेकिन इसको पहले प्रथम आपको स्टार्टिंग में इसको क्या करना है, अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ठंडा करके फिर जलेबी निकालनी है। ये तो आपकी जलेबी अच्छे से बन नहीं पाएगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी से गोल गोल बन गई, एकदम फूल गई है। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल हो उसमें बना लीजिए। और इसको धीरे धीरे, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो मेरे पास क्या है, रसगुल्ले की चाशनी बची हुई थी, मैंने उसको अच्छे से छान के गर्म कर लिया है और उसमें चुटकी भर येलो कलर डाल दिया है, ऑरेंज, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इस तरह से जलेबी निकाल लिया, आप इसी तरह से सारी जलेबी निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने चाशनी में फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें जलेबी डाल दूंगी। हमें इसमें थोड़ी देर डिप करके रखनी है ताकि इस चाशनी जलेबी के अंदर तक जा सके अच्छे से। आप देख सकते हैं चाशनी जलेबी अच्छे से चाशनी पी लेगी। तो इनको देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो प्लीज़ आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है एकदम। तो आप मार्केट की खाना बिल्कुल भूल जाओगे अगर इस तरह से आप जलेबी बनाओगे तो। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारी जलेबियाँ बना ली है और चाशनी में डिप कर ली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। आप देख सकते हैं सारी चाशनी में डिप कर दी है, इस तरह से मैंने सारी जलेबी बना ली है। आप देख सकते हो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम गोल गोल, एकदम रस भरी मीठी मीठी। तो प्लीज़ आप बनाइए, खाइए और खिलाइए एंड खुश रहिए। थैंक यू सो मच।